सूबे में अभी नगर निकाय चुनावों की विधिवत घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद आलम यह है कि मुजफ्फरनगर जनपद की पुरकाजी नगर पंचायत में चेयरमैन पद के दावेदार प्रत्याशियों ने अपनी ताल ठोकना शुरू कर दिया है तथा हर प्रत्याशी अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में जनसंपर्क कर जनता से समर्थन की अपील करने में जुटा है। इसी कड़ी में सोमवार की रात पुरकाजी के नगर पंचायत चेयरमैन पद की दौड़ में शामिल भावी प्रत्याशी मोहम्मद राशिद ने कस्बे के रवि फर्नीचर शोरूम पर एक सभा का आयोजन कर क्षेत्रवासियों से आगामी नगर पंचायत चुनाव के दौरान उनका समर्थन करने की अपील की। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पिरान कलियर क्षेत्र से 3 बार के विधायक रहे फुरकान अहमद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा कार्यक्रम का संचालन परवेज एडवोकेट द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न अतिथियों द्वारा अपने विचार उपस्थित लोगों के समक्ष रखे गए तथा सभी लोगों ने एक ही सुर में जनता से मोहम्मद राशिद का समर्थन करने की अपील की। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि फुरकान अहमद का कहना था कि कोई भी व्यक्ति किसी एक धर्म एवं समाज के सहयोग से चुनाव नहीं जीत पाता, बल्कि सर्वधर्म व समाज को स्वीकार्य व्यक्ति ही चुनाव को जीतकर जनता की सेवा कर पाता है। और आज इस कार्यक्रम में उन्होंने देखा है कि मोहम्मद राशिद को क्षेत्र के सर्वधर्म व समाज का समर्थन प्राप्त है, जिससे उन्हें पूर्ण उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि जनता इस बार उन्हें नगर पंचायत चेयरमैन पद पर कार्य करने का मौका अवश्य प्रदान करेगी। आज जो हमारे राशिद भाई, इन्होंने प्रोग्राम रखा, इन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे आकर बड़ी खुशी हुई क्योंकि यहाँ पर सभी जात बिरादरी के लोग थे, सभी जिम्मेदार साथी थे और सब ने हाथ उठाकर वादा किया कि आज तक हमारे बीच का कभी यहाँ पर चेयरमैन नहीं बना, राशिद भाई हमारे बीच के हमारे अपने हैं, इस बार हम इन्हें चुनाव लड़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये भारी मतों से यहाँ पर जीतेंगे क्योंकि दिल सब जो हमारे युवाओं के दिलों में, हमारे बुजुर्गों के दिलों में, हमारी माँ और बहनों के दिलों में बचे हुए हैं तो राशिद भाई, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता इन्हें स्वीकार करेगी और भारी मतों से जिता कर भेजेगी। देखिए राशिद भाई, जिस समाज से आते हैं, जोजा समाज से, आप भी उसी समाज से हो और आप बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर आज इस प्रोग्राम में शिरकत की गई आपके द्वारा, तो आप जैसे आपने यहाँ भीड़ देखी, ये किस तरह से देख रहे हैं आप? देखो, एक बिरादरी से कोई चुनाव नहीं होता। मैं 3 बार विधायक बना, मेरी झोजा बिरादरी के 10-11 हज़ार वोट हैं, इस बार मुझे 45 हज़ार वोट मिले, मैं 16 हज़ार वोटों से जीता। मेरी विधानसभा में कोई बूथ ऐसा नहीं था जिस बूथ से मुझे वोट नहीं मिला, चाहे किसी भी जात बिरादरी का हो, वही आज मुझे देखने में यहाँ मिला। राशिद भाई के जो प्रोग्राम में, हाँ, यहाँ पर ऐसी समाज और सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो इसलिए एक बिरादरी से नहीं, इन्हें सर्व समाज का साथ है और इंशाल्लाह जो हर बिरादरी का इनका सहयोग रहेगा और ये भारी मतों से यहाँ पर जीतेंगे।